विलास किचन। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में चिकन लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसका ये जो स्टॉक है उसको भी हमें बाद में यूज़ करना है। एक छोटी प्याज ली है मैंने, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। एक छोटा चम्मच मेरे पास है ये ऑर्गेनो ले सकते हैं, पिज़्ज़ा सीजनिंग ले सकते हैं, और अगर ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच है चिली फ्लेक्स, इसकी जगह आप लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। 3 हरी मिर्च है, इसको मैंने फाइन चॉप किया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है। कुछ यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स ले रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास है लाल, हरी और पीली शिमला मिर्च, और थोड़े से मेरे पास हैं स्वीट कॉर्न, इनको मैंने बॉईल किया हुआ है। आप चाहें तो वेजिटेबल्स ले सकते हैं और चाहे तो स्किप कर सकते हैं, और जो आपके पास वेजिटेबल घर में है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 चम्मच यहाँ पर मेरे पास मैदा प्लेन फ्लावर। यहाँ पर मैंने बॉईल किया हुआ चिकन दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और जो इसका स्टॉक है मैंने दूसरे बाउल में ले लिया है। इसका हमें बाद में यूज़ करना है, तो इसको हम बॉईल किए हुए चिकन को शेड कर लेंगे। इस तरह से बारीक शेड कर लेंगे इसको। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने पैन गैस पर रख दिया है और इस पर 1 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्का सा भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भून गया है। इसमें मैंने 1 चम्मच पानी का यूज़ किया था, यानी चिकन स्टॉक डाला था मैंने। जहाँ भी हमें पानी का यूज़ करना है, पानी की जगह हमें चिकन स्टॉक डालना है जिसमें हमने चिकन बॉईल किया था। अब इसमें हम डालेंगे अनियन, बारीक कटी प्याज, हल्की से भून लेंगे। प्याज को मैंने हल्का सा भून लिया है। अब इसमें हम बाकी वेजिटेबल्स डाल देंगे, तीनों तरह की शिमला मिर्च, करेला की और स्वीट कॉर्न। वेजिटेबल्स को मैंने हल्का सा भून लिया है। यहाँ पर मेरे पास तीनों कलर की शिमला मिर्च रखी थी और स्वीट कॉर्न रखे थे, तो मैंने इसमें इसका यूज़ किया है। आपके पास हरी शिमला मिर्च है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आपके पास वेजिटेबल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम आप सारे मसाले डाल देंगे। चिली फ्लेक्स डाल देंगे, बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे, पिज़्ज़ा सीजनिंग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स को मैंने हल्का सा भून लिया है और इसमें हम डाल देंगे नमक और 4 चम्मच हम डालेंगे मैदा। इसको हमें हल्का सा भूनना है। मैदा को मैंने 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर मेरे पास नॉन स्टिक पैन है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप मैदा को थोड़े से ऑयल में पहले भून लें, उसके बाद इसमें वेजिटेबल्स ऐड करें। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दूध, 1/2 कप दूध डाल दिया है हमने। इसके बाद हम चिकन स्टॉक डाल देंगे जिसमें हमने चिकन बॉईल किया हुआ था। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे। मैदा को मैंने चिकन स्टॉक और मिल्क के साथ अच्छे से कुक कर लिया है। इसी के अंदर हम ये शेड किया हुआ चिकन डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। चिकन लॉलीपॉप को कोट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 चम्मच मैदा लिया है। इसकी हम स्लरी तैयार करेंगे। इसके अंदर हम पानी मिक्स करके घोल बना लेंगे, स्लरी बना लेंगे। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। इसमें हम मिक्स करेंगे मोज़रेला चीज़, स्टफिंग में हमने मोज़रेला चीज़ भी मिक्स कर लिया है। अब हाथ पे थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे, थोड़ी सी हम ये स्टफिंग लेंगे और एक बॉल तैयार कर लेंगे। छोटे से लॉलीपॉप बनाएंगे। इसी तरह से सभी हम लॉलीपॉप बनाकर तैयार कर लेंगे।
स्लरी हमने तैयार कर ली थी पहले ही, और साथ ही यहाँ पर मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लैक्स। कॉर्नफ्लैक्स नहीं है तो आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स का यूज़ भी कर सकते हैं। इसको हम क्रश कर लेंगे। अब चिकन लॉलीपॉप की हम कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए सबसे पहले हम ये चिकन लॉलीपॉप स्लरी में डिप करेंगे। ऊपर से हम इसको कोट कर देंगे कॉर्नफ्लैक्स से। इसी तरह से सारे लॉलीपॉप हम कोट कर लेंगे। सभी चिकन लॉलीपॉप को मैंने कॉर्नफ्लैक्स से कोट कर लिया है। अब इनको हम फ्राई करेंगे। चिकन लॉलीपॉप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से ही गैस पर रख दिया था। ये गर्म हो चुका है। सभी चिकन लॉलीपॉप इसमें डाल देंगे और अच्छे क्रिस्पी होने तक इनको हम फ्राई करेंगे। सभी चिकन लॉलीपॉप क्रिस्पी हो गए हैं। अब इनको हम ऑयल में से निकाल लेंगे। ये हमारे क्रिस्पी चीज़ी चिकन लॉलीपॉप बहुत ही टेस्टी हैं। इफ्तार में आप इसको बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।